सिंप्लिसिटी, क्लीन लाइंस, कंफर्टेबल, अनक्लटर्ड, ओपन स्पेसेस एंड लॉट्स ऑफ लाइट। मैं बात कर रही हूँ किसकी, मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिज़ाइन की। मैं फोकस है हमारे मिनिमलिस्ट का वो डेकोर पे नहीं है, वो है हमारे रिक्वायरमेंट्स पे और हमारी फंक्शनैलिटी पे। ओके, तो जब भी आप मिनिमलिस्ट डेकोर करेंगे तो ध्यान देंगे कि आपके आसपास ओपन स्पेसेस हों, लाइट्स हों एंड कलर स्कीम अच्छी हो, नेचुरल मटेरियल हो एंड यस फर्नीचर पीसेस उतने हो जितने की रिक्वायरमेंट है। ओके, नो एक्स्ट्रा फर्नीचर पीसेस। हाँ, लेकिन इसको डेकोर जब आप करते हैं तो एक चैलेंज होता है कि आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ इसे ख़त्म करें। यस, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हो हो मुझे मिनिमलिस्ट करना है कि शुरू कहाँ से करें। ओके, क्योंकि मुझे तो मिनिमम लगाना है। तो सबसे पहले चॉक डाउन कि आपको क्या चाहिए है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से आपको ये भी कर सकते हैं कि एक अच्छे सोफ़ा को, अपने काउच को या फिर एल टाइप सोफ़ा को एक फोकस पॉइंट बनाएं और उसके अलावा जो आपके बाकी चीज़ें हैं जैसे कोई लैम्प शेड है, कोई प्लांटर है, एक अदर टेबल है, वो आपका क्या होगा, वो आपका मेन फोकस होगा सोफ़ा और बाकी आसपास उसके एक्सेसरीज होंगे। ओके, लेकिन कीप इट बेयर मिनिमम, जितना चाहिए उतना ही रखिए, एक्स्ट्रा मत रखिए। ओके, तो मिनिमलिस्ट कहता है कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है, कि जो आपको अच्छा लग रहा है बाहर मार्केट में और लाके आप रख देते हैं, उनसे दूर हटिए और जो फोकस है वो अपने पे लगाइए और अपनी रिक्वायरमेंट्स पे लगाइए, अपने फंक्शनैलिटी पे लगाइए।